टारगेट किलिंग पर हाई लेवल मीटिंग, गृह मंत्रालय में बैठकों का दौर जारी। शाह के साथ एनएसए आर्मी और रॉ चीफ तैयार कर रहे एक्शन प्लान। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे टारगेट किलिंग पर गृह मंत्रालय में बैठकों का दौर जारी है। गृह मंत्री अमित शाह के अलावा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, एनएसए अजीत डोवाल, रॉ चीफ, आर्मी चीफ, जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह, केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला, सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह और एसएसबी के प्रमुख शामिल है। सूत्रों के मुताबिक पहली दौर की बैठक खत्म हो गई है, 3 बजे दूसरे दौर की बैठक की जाएगी, जिसके बाद मंत्रालय की ओर से बयान जारी किया जा सकता है। इससे पहले घाटी में लगातार हो रही हिंदुओं की हत्या के बाद कश्मीरी पंडितों ने पलायन करने की चेतावनी दी है। वहीं कुलगाम और अनंतनाग में हालात और खराब होते जा रहे हैं। गुरुवार को यहां आतंकियों ने 2 हमले किए। अनंतनाग के मट्टन में गुरुवार को आतंकी हमलों से डरे पंडित अपना सामान लेकर जम्मू के बनिहाल जाने की कोशिश में जुट गए हैं। जम्मू कश्मीर में पीएम पैकेज के तहत कर्मचारी अमित कोल ने बताया कि हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। आज 4 लोगों की हत्या हुई है। इसके अलावा 30 से 40 परिवार शहर छोड़कर जा चुके हैं। सरकार हमारी मांग पूरी नहीं कर रही है। श्रीनगर में कोई भी सुरक्षित जगह नहीं है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना न भूलें।